दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैं जो भी बात करूंगा बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। और आपको बता दूँ, ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर ढेरों सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ भी आ रही थी, पर मैंने पर्सनली इसे फेस किया है, इसलिए आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास है रेडमी नोट 4 जो कि शाओमी कंपनी ने तैयार किया है, और शाओमी एक चाइनीज ब्रांड है। और उससे बता दूँ दोस्तों, शाओमी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, नंबर 1 बेस्ट बजट सेलिंग ब्रांड है इंडिया के ऊपर। और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर, ऑफकोर्स शायद आप भी दोस्तों अपने शाओमी डिवाइस के ऊपर ही दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो। और आपको पता है दोस्तों, जो शाओमी है दोस्तों, आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, हाँ जी दोस्तों, विदाउट योर इन्फॉर्मेशन। और आप शायद नहीं भी जानते हो, आपका A to Z आपका कॉल लॉक हो जाए, आपका मैसेज हो जाए, आपका वॉइस हो जाए, आपका इवन कैलेंडर हो जाए, आप कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते हो, सब कुछ का डेटा शाओमी अपने सर्वर के ऊपर लेती है विदाउट एग्री देयर टर्म्स एंड कंडीशन। शाओमी इसके लिए आपको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने से भी नहीं बोलता है, ठीक है। सो आपको दिखा था दोस्तों एक किस तरह से होता है। सो मान लेते हैं दोस्तों, आप नया शाओमी फ़ोन डालते हो, उसके बाद आप एक MI अकाउंट क्रिएट करते हो। MI अकाउंट क्यों क्रिएट करते हो? MI अकाउंट के साथ आप यहाँ से थीम्स को यूज़ कर पाओगे, नया नया थीम्स को डाल सकते हो। यहाँ पर आपको थीम स्टोर मिल जाता है, यहाँ पर जो नया नया थीम है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ सब वॉलपेपर को ले सकते हो। यहाँ पर आपका म्यूज़िक के लिए है, और यहाँ पर आपका टेक्स्ट के लिए है। सो शायद मैं मान लेता हूँ आप थीम स्टोर से कोई थीम को डाउनलोड करना चाहते हो, इसलिए आपको एक MI अकाउंट की ज़रूरत होगी। और दोस्तों, जब भी अपनी शाओमी की डिवाइस के अंदर आप MI की अकाउंट को क्रिएट करते हो, ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका जो डिवाइस डेटा है वो MI क्लाउड के ऊपर स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाने के साथ साथ आपका जो डेटा है सब कुछ शाओमी ऑलरेडी कलेक्ट कर लेता है वहाँ से। किस तरह से होता है आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों अपना कितना GB डेटा शाओमी ने खर्च किया है, और आप सच में अगर प्रूफ देखना चाहते हो तो वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए सर्च सर्विस के ऊपर चलते हैं, उसके बाद दोस्तों आ जाओ यहाँ पर नीचे MI अकाउंट के अंदर। मैं ऑलरेडी दोस्तों, मेरा जो MI अकाउंट है कुछ इस तरह से है, ठीक है, मेरे डिवाइस पर ऑलरेडी MI अकाउंट है, और उसके अंदर दोस्तों शाओमी ने अपना हमारा जो फ़ोन का वॉइस कॉल हो जाए, वॉइस लॉक हो जाए, SMS लॉक हो जाए, सब कुछ ले लिया है, सब कुछ, और लगातार सिंक कर रहा है MI क्लाउड के ऊपर, उसके बाद चाइना के ऊपर लेता है। सो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो, मेरा जो MI अकाउंट है इसके अंदर यहाँ पर MI क्लाउड लगा हुआ है। सो इसका मतलब क्या है, MI अकाउंट के साथ MI क्लाउड आता है। चलते हैं MI क्लाउड के ऊपर, और दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे जो सिंक है उसे बंद कर दिया है, पर यहाँ पर बता रहे हैं दोस्तों 6 to 1 आइटम जो कि सिंक होना बाकी है, ठीक है। अगर मैं इसे अभी चार्ज में डाल के नेट को ऑन करके छोड़ दूंगा, ऑटोमेटिकली दोस्तों जितना भी डेटा है सब कुछ सिंक कर लेगा MI क्लाउड के ऊपर, उसके बाद शाओमी उसे हड़प लेगा। यहाँ पर दोस्तों फाइंड माई डिवाइस ऑन है, होम स्क्रीन बैकअप ऑफ है, डिलीट आइटम यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ दोस्तों फ्री के अंदर 5 GB के ऊपर यहाँ पर 1 GB ऑलरेडी यूज़ हो गया है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं MI क्लाउड आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया हूँ। हाँ जी दोस्तों, मैंने MI क्लाउड आज तक कभी मेरे फ़ोन के ऊपर, ना कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, मेरे पीसी के ऊपर कभी भी यूज़ नहीं किया हो। फिर किस तरह से यहाँ पर 1 GB फ्री होता है? वेरी सिंपल है दोस्तों, शाओमी क्या कर रहा है, मेरा जो कॉल लॉग्स है, मेरा जो कॉन्टैक्ट है, SMS है, गैलरी है, कॉल हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, नोट्स है, वाईफाई है, कैलेंडर है, ब्राउजर है, सब कुछ अपने MI क्लाउड के ऊपर लेता है। लेने के बाद उसको चाइना में भेजता है, उसके बाद हमारे ऊपर अटैक हो सकती है हमारे डेटा के साथ। जैसे कि जानते हो दोस्तों 2018 के अंदर डेटा इज द किंग, जिसके पास डेटा है वो सब कुछ कर सकता है। सो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, मैं सब कुछ ऑफ करके दिया हूँ। यहाँ पर जो कैलेंडर है इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अगर आपके डिवाइस के ऊपर यहाँ पर जितने भी कॉन्टैक्ट, SMS, गैलरी, फोटोज है, टर्न ऑन है, तो जरूर से यहाँ से आप ऑफ कर दीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, जितने भी चीज़ है यहाँ सब कुछ ऑफ कर दीजिए, किसी को एक भी चीज़ को टर्न ऑन मत रखना। अगर कॉन्टैक्ट है यहाँ से कॉन्टैक्ट को ऑफ कर दो, क्योंकि दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका जितने भी कॉन्टैक्ट है MI क्लाउड में जाएगा। MI क्लाउड में जाने के बाद आपके डेटा, पर्सनल डेटा जो भी आप नहीं शेयर करना चाहते हो, कॉल हिस्ट्री कौन शेयर करना चाहता है MI क्लाउड के ऊपर? क्या आप अपने SMS को शेयर करना चाहते हो MI क्लाउड के ऊपर? क्या आपने कॉल हिस्ट्री को शेयर करना चाहते हो MI क्लाउड के ऊपर? नहीं ना, तो MI जो शाओमी वाले है वो खुद से ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा डेटा को बेचना चाहते हैं, हमारे खिलाफ भी हमारे डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। सो मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर कोई भी शाओमी से वीडियो देख रहा है, मेरा जो मेन मोटिव है, आपका जो MI अकाउंट है वो अच्छी चीज़ है, और MI क्लाउड है वो भी दोस्तों अच्छी चीज़ है, पर मेरा जो रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, अपने MI क्लाउड को हटा दीजिए MI अकाउंट से। मैं पर्सनली दोस्तों MI क्लाउड को यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास गूगल ड्राइव है, मेरे पास मीडियाफायर है, सो मैं वो दोनों यूज़ करता हूँ, मुझे MI क्लाउड की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
अगर आप इसको देखना चाहते हो दोस्तों किस तरह से आप देखोगे, यहाँ पर जो 1 GB डेटा है दोस्तों हमें किस तरह से देख पाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या है, इसको देखने के लिए सिंपली इसको टैप कीजिए और आपको एक वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर आपका जो डिवाइस है, जो MI अकाउंट है, MI अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा, आपके फ़ोन के अंदर कितने भी कॉल आए हैं, कितने क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। सो आप जरूर से यहाँ से देख लीजिए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है दोस्तों, मैं चाहता हूँ MI वाले जिंदगी करना बंद करते, उसके साथ MI फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड आता है दोस्तों, Xiaomi वाले ऐड्स दिखा के परेशान कर दिया है, स्टडीज़ के अंदर ऐड दिखा रहा है, कभी अपने थीम्स के अंदर, कभी म्यूजिक प्लेयर के अंदर ऐड्स दिखा रहा है, फुल स्क्रीन ऐड दिखा रहा है जो कि सिस्टम एप्लीकेशन है, बहुत ही तंग कर दिया है दोस्तों Xiaomi वाले ऐड्स दिखा दिखा के, और उसके ऊपर तो चिंतगिरी करके डेटा ले ही जा रहे हैं। एनीवे दोस्तों मैं आशा करता हूँ लंबा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपके लिए हेल्पफुल है जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस वीडियो को जरूर से इस वीडियो को शेयर करके जाना, अगर लाइक ना भी करो तो शेयर जरूर से इस वीडियो को कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बेल आइकन को जरूर से दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।